तो गाइस आज की वीडियो हम बात करेंगे क्या CDS प्लस CGL पॉसिबल है, अगर है तो कैसे करेंगे और क्या करेंगे, इस बारे में हम स्ट्रेटजी थोड़ी सी बात करेंगे। और ये इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा बनाया था SSB से पहले, बट SSB में फेल होने के बाद बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, तो फिर अब जो है इस वीडियो पर दोबारा बात करते हैं। तो देखो CDS प्लस CGL, पहले आपको एक एक बात समझने की कोशिश करिए। जैसे CDS में वैकेंसी की बात करते हैं वो है 332-340, और जिसमें भी अगर आप पर्टिकुलर IMA या OTA के लिए हैं तो 170, और IMA के लिए 100 वैकेंसी आती हैं। अगर एयरफोर्स अकेडमी के लिए तो आपकी किस्मत ही ख़राब है क्योंकि 32 वैकेंसी है सिर्फ। और यहाँ CGL में जो वैकेंसी आई हैं वो 20,000 प्लस वैकेंसी आई हैं, है ना। अब आप कह रहे हैं स्टूडेंट तो ज़्यादा बैठेंगे, ऑब्वियसली ज़्यादा स्टूडेंट बैठेंगे, लेकिन कॉम्पिटिशन जो है वो बराबर है, और हमारा कॉम्पिटिशन हमेशा कट ऑफ से होना चाहिए। कट ऑफ 50% से ज़्यादा जाती है CGL में, हाँ जाती है, लेकिन पेपर क्वेश्चंस भी थोड़े से ईजी हैं। बस थोड़ी सी CGL के लिए अलग अप्रोच की आवश्यकता होती है और CDS के लिए अलग, बल्कि एग्जाम पैटर्न की बात करें, पेपर पैटर्न की बात करें वो सेम है। सिलेबस की बात कर रहा हूँ मैं ऑब्वियसली, तो जब सिलेबस सेम है SSC में थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा हैं तो हम उनको कवर कर सकते हैं ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मेरी बात सुनिए, CGL का जो प्री होगा वो दिसंबर में होगा और CDS का जो पेपर होगा वो अप्रैल में होगा, लेकिन CGL का मेंस जो होगा वो अप्रैल में हो सकता है या फिर मई में होगा, ठीक है, या मार्च के लास्ट में होगा, ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। मार्च का लास्ट या अप्रैल या मई, इन 3 महीने के बीच में हो जाएगा, तो CGL ने ईमानदारी से पेपर कराया है, ठीक है। वरना जो आप लोगों की सोचा कि CGL लेट कर देता है, SSC लेट कर देता है, तो वही है, क्योंकि मेंस का एग्जाम जो है वो प्री के 3 महीने बाद रिजल्ट है और फिर रिजल्ट के 1 महीने बाद ही मेंस का एग्जाम हो जाता है, ये पैटर्न है SSC का, ठीक है। तो गाइस बिल्कुल भी मिस मत करिए, 20,000 प्लस वैकेंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं और हमें मिस नहीं करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है, और मैं बिल्कुल नहीं करना चाह रहा। पहले मैं भी मना करता था कि CDS का एक अलग लेवल है और CGL हम बीच बीच में फॉर्म भरते हैं, लेकिन मैंने उस टाइम पर भी ये बोला था कि साथ में एग्जाम मत करिए, तैयारी मत करिए साथ में, लेकिन फॉर्म फिल करके आप दे सकते हैं, ठीक है, लेकिन प्राइम फोकस जो है वो CDS पर होना चाहिए। मैं अभी भी ये कह रहा हूँ, आपका प्राइम फोकस CDS पर ही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि साथ ही साथ में इस बार आप CGL को जरूर दें, क्योंकि टाइम भी हमारे पास बहुत ज़्यादा है। देखो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने तो पूरे हैं CDS के लिए। अगर आपने CDS की थोड़ी सी भी तैयारी करी है ना, ये वाला एग्जाम दिया है, तो अगले वाले एग्जाम के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, ठीक है। दूसरी चीज़ है, CDS निकाल लिया आपने और SSV में फेल हुए तो दिक्कत होगा, बहुत ज़्यादा दुख होगा, ठीक है, क्योंकि SSV पूरी तरह से हमारे हाथ में नहीं होता है, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। तो देखो दिसंबर में आप लोगों का CGL प्री है, तो प्री के लिए आप तैयारी करेंगे। अब प्री के लिए कैसे, प्री में क्या सब्जेक्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और GS, ठीक है। GS जो है वो CDS में आती थी, वही CGL में आएगी। जैसे CDS का पैटर्न क्या होता है, सेम वही पैटर्न है GS में, बस GS में 25 क्वेश्चन यहाँ प्री में, और मेंस में क्या है 25 क्वेश्चन ही हैं। आपको पता होना चाहिए CGL का एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न में ये है कि Tier 1 जो होगा वो क्वालिफाइंग मार्क नेचर का है, उसमें आपको केवल क्वालिफाइंग करना है, कट ऑफ बनेगी उससे आप मेंस दे पाएँ जिस लिए, ठीक है। और जैसे ही आप मेंस देंगे तो मेंस के जो 390 नंबर हैं उनसे आपकी कट ऑफ डिसाइड होगी फाइनल, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, GS की तैयारी जैसे CDS लेवल की करते हैं ना, उसी लेवल की तैयारी कर लीजिए GS की, ठीक है। CDS में पहले क्या होता था, करंट अफेयर्स में बोलता था 4 महीने ही कर लीजिए काम हो जाएगा, लेकिन इस बार करंट अफेयर CDS में चेंज हुई, और CGL में हमेशा यही पेपर फॉलो होता है पैटर्न, लगभग 1 साल की करंट अफेयर्स ये लोग पूछ लेते हैं। तो करंट अफेयर्स का तो ऐसा है कि प्री में भी काम आएगी आपकी, मेंस में भी काम आएगी CGL के, और वही करंट अफेयर्स आपकी CDS में भी काम आ जाएगी। लगभग CGL के लिए आपके पास 75 दिन हैं, 15 दिसंबर से अगर हम मानते हैं तो 75 दिन में आप आराम से तैयारी कर सकते हैं बहुत अच्छे से। इंग्लिश भी बिल्कुल CDS की तरह, बल्कि इसमें लेवल इजी आता है, थोड़ा सा क्लोज टेस्ट पैसेज की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं आपको। CGL में जो मेन चीज़ है ना वो स्पीड की ही है, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना, तो आप स्पीड के लिए मॉक टेस्ट ज़रूर दें। तीसरी चीज़ है, इंग्लिश हो गया, GS हो गया और मैथ्स, मैथ्स भी सेम, मैथ्स सेम नहीं है, ठीक है। CDS में जो मैथ्स होता है वो एडवांस लगभग 90% और अरिथमेटिक 10%, और इस बार क्या हुआ था CDS में थोड़ा सा एडवांस कम हुआ था, मतलब एडवांस 80% मान लो और अर्थमेटिक 20% ऐसा आया था, लेकिन SSC में नहीं है। SSC CGL में जो है आप 50-50% मान के चलिए एडवांस का, या फिर मान लीजिए 55-45, बट ऐसा नहीं है, 50-50 मान के चलेंगे वो ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर आपको हर टॉपिक को ज़्यादा वेटेज देना ज़रूरी है, ठीक है।
लेकिन जो एडवांस के टॉपिक हैं उनसे श्योर शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, और मेरा मानना है कि एडवांस के टॉपिक बड़े होते हैं बट एक बार समझ लो तो अच्छे से हो जाते हैं, है ना। वरना अर्थमेटिक में तो एक टॉपिक से इतने सारे क्वेश्चंस बनते हैं मेरा दिमाग ख़राब हो जाता है अर्थमेटिक से, क्योंकि CDS में एडवांस मैथ ही ज़्यादा पढ़ा है। बट कोई बात नहीं, एडवांस और अर्थमेटिक इसमें बराबर है तो आप बराबर लेके चलेंगे, ठीक है। क्योंकि CDS में भी तो 20% आ ही रहा है ना, उसे इग्नोर करना अच्छी बात नहीं है। DI आ जाती है एक 5 नंबर की, तो ठीक है ना, वहाँ से नंबर मिल रहे हैं अच्छे खासे। अब जो अलग है वो है रीजनिंग। तो मेरे को लगता है आप एक टॉपिक कैसे भी करके आप CGL की तरफ ज़्यादा, रीजनिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे लीजिए दिसंबर तक, ठीक है। तो आप ये 4 टॉपिक तैयार करिए, मॉक टेस्ट दीजिए, और आपका दिसंबर में जो एग्ज़ाम होगा आप CGL प्रीलिम्स ज़रूर क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है, अगर आप CDS के लेवल का पढ़ रहे हैं तो। और एक बात आपको और बताना चाहूँगा, जो CGL का पहला पेपर है 200 में से आपकी कट ऑफ लगभग 135 के आसपास जाती है, ठीक है, नॉर्मली बोल रहा हूँ मैं एवरेज। और पहला पेपर क्वालिफाइंग नेचर का है तो हमें कट ऑफ ऐसा भी नहीं है कि 200 में से हमें 170 नंबर लाने, जो भी हैं हमें केवल पास होना है, तो उतने नंबर ही अपना टारगेट रखिए और आप CDS की तैयारी साथ साथ में करते रहिए। जब आप CGL का दिसंबर में एग्जाम देके आएंगे तो आपका रिजल्ट ही लगभग 2-3 महीने बाद आएगा, ठीक है, और उस टाइम पर आप CDS की तैयारी कर रहे होंगे। जब आप CDS की तैयारी कर रहे होंगे तब केवल CDS की तैयारी करिए। जिस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा ना, आपको पता चल जाएगा, एक तो आप आंसर की से मैच करेंगे, आंसर की जल्दी आ जाती है लगभग 10-15 दिन बाद जब सारे एग्जाम्स ख़त्म हो जाते हैं CGL के, तो वहाँ से आपके मार्क्स पता चल जाएंगे, तो आपको लगेगा कि हाँ हम पास हो जाएंगे या नहीं होंगे या बॉर्डर लाइन पर है, तो आप CDS की तैयारी कंटिन्यूस रखेंगे। जब आपका रिजल्ट आएगा तब आप जो है थोड़े से टॉपिक जो हैं, जैसे रीजनिंग हो गया क्योंकि मेंस में तो वो ज़रूरी है, कंप्यूटर हो गया, टाइपिंग हो गया, इन पर और ज़्यादा फोकस कर लेंगे जिससे आपका CGL प्लस CDS दोनों साथ में कवर हो जाए। और दूसरी बात यह है कि मान लीजिए आपका CDS जो है वो 3-4 अप्रैल में जब भी है संडे को, और आपका CGL का एग्ज़ाम होता है मई में 4-5 मई को, ऐसा हो सकता है ना 4-5 मई को हो, तो आपको तो भरपूर टाइम मिल गया ना, ठीक है। तो आप ऐसा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, होने को तो ये भी हो सकता है कि संडे को ही आपके दोनों एग्ज़ाम हो जाएं, उसी संडे को जो आपके क्या मतलब हमारे एग्ज़ाम हो जाएं, तो काफ़ी नाइंसाफ़ी हो जाएगी हम लोगों के साथ में, क्योंकि मेंस जो है लगभग एक दिन में ही कराना चाहिए इन लोगों को एक ही शिफ्ट में। तो मेंस में आपको क्या है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और GK, ये 4 टॉपिक इसमें भी इम्पोर्टेंट है। आपकी कंप्यूटर नॉलेज आएगी, वो 20 क्वेश्चन से 60 मार्क्स के आपको पास लिमिटेड टाइम होगा, सफिशेंट टाइम होगा, आप उसे कवर कर लेंगे, क्योंकि प्री में तो है नहीं, मेंस के लिए तो हम CDS पढ़ेंगे, उसके बाद हमें टाइम मिल ही जाएगा। ये सब एक ऐसे नहीं है कि हम सोच के चल रहे हैं, ठीक है, हमें पॉजिटिव ही सोचना पड़ेगा। ऐसा शायद ये रेयर केस में होगा कि CDS के एग्ज़ाम से पहले CGL हो जाए, क्योंकि नॉर्मली जो है 3 महीने बाद CGL जो SSC जो है रिजल्ट देती है। लगभग आपका दिसंबर में होगा तो जनवरी, फरवरी, मार्च में आपका रिजल्ट आएगा, और मार्च में रिजल्ट आने के 1 महीने बाद जो है मेंस का एग्ज़ाम कराते हैं CGL वाले, मतलब कराते हैं नहीं कराते, अभी जो हुआ था अप्रैल में एग्ज़ाम था, उसके बाद में जुलाई में रिजल्ट आया और अगस्त में एग्ज़ाम हुआ मेंस का, ठीक है। तो आप हमेशा पॉजिटिव सोच के रखिए, और इस बार ज़रूर होगा ऐसा मान के चलिए, और जब हमारे हाथ में है कि हम दोनों कर सकते हैं तो क्यों ना करें, ठीक है। बाकी आपको मैंने वेटेज बता दिया है, केवल रीजनिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस ये अलग है, बाकी सारे सब्जेक्ट जब सेम हैं तो क्या दिक्कत है भाई, चलो करते हैं साथ में, ओके। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर वगैरह जो आपका मन है वो कर सकते हैं। पर एक बात मैं बोलना चाहूँगा, कभी भी CDS और CGL में चुनना पड़े तो हमेशा CDS चुनेंगे, क्योंकि CDS का लेवल ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है, पोस्ट प्रेफरेंस ज़्यादा है, और वर्क भी अपना ही मिला है। बाकी CGL के थ्रू आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई है, तो इसे मिस करना हम लोगों में कोई ऐसा लगता है हम क्राइम करेंगे, तो ऐसा नहीं करना है, हमें अपने पाप धुलने हैं। इस बार जॉब ज़रूर लेनी है, टारगेट 2023 रखेंगे हम इसका, और 2023 में जॉब लेके दिखानी है, ठीक है। बाकी नहीं लगी तो भी तो कोई बात नहीं, हम गंगा चले जाएंगे और पाप धुलाएंगे, ठीक है। तो आपकी वीडियो बस इतना ही, बाय।